राहुल शर्मा, आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज। स्वागत है आपका हमारे इस खास प्रोग्राम में। प्रोग्राम की शुरुआत एक बहुत बड़ी खबर से कर रहा हूं। जी हां, आपको बता दूं, ज्योतिरादित्य सिंधिया के दुश्मन से अब मुलाकात हो रही है और राहुल गांधी ये मुलाकात कर रहे हैं। यहाँ पर सबसे बड़ी बात तो यह है कि जैसा कि मैंने बीते दिनों अपने प्रोग्राम में नूरी खान का जिक्र किया था, तो नूरी खान का साथ अब राहुल गांधी को मिलता हुआ नजर आ रहा है और नूरी खान ने राहुल गांधी का साथ मिलते ही सिंधिया पर हमला करना शुरू कर दिया है। जी हाँ, अब तक की बहुत बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे बड़ी बात यह है कि बीते दिनों देखने को मिला था कि राहुल गांधी ने नूरी खान के शौहर के समर्थन में एक रैली की थी, क्योंकि नूरी खान के जो शौहर है वो चुनाव लड़ रहे हैं। तो ऐसे में राहुल गांधी सीधा सीधा जो सिंधिया के दुश्मन है उनसे मुलाकात कर रहे हैं और राहुल और सिंधिया के दुश्मन की ये मुलाकात ये बताती है कि राहुल गांधी ने पूरी तरह से सिंधिया का साथ छोड़ दिया है। आपको और जानकारियां बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आपको मैं बता दूं कि जिस तरह से देखने को मिला है कि नूरी खान ने बकायदा ट्वीट कर ज्योतिरादित्य सिंधिया पर निशाना साधा है और नूरी खान को यहां पर जो है अब राहुल गांधी का साथ मिलता हुआ नजर आ रहा है। जी हां, और जो रिपोर्ट है उसकी तरफ मैं बढ़ूंगा और आपको ये भी बताऊंगा कि किस तरह से इस वक्त स्थितियां बनती हुई नजर आ रही है। अगर बात की जाए तो नूरी खान अब सीधा सीधा राहुल का साथ पाते ही वो अब सिंधिया पर हमलावर हो चुकी है और इससे ये साफ पता चल रहा है कि किस तरह से अब जो स्थितियां हैं वो बिल्कुल अलग होती हुई नजर आ रही है। जी हाँ, देखिए, जैसे कि मैं रिपोर्ट्स की बात कर रहा था, ये बहुत चौंकाने वाली बात है कि राहुल गांधी ने अब पूरी तरह से अपनी जो दोस्ती है वो सिंधिया से खत्म कर दी है। और इसके अलावा की अगर हम बात करें तो नूरी खान जिस तरह से देखिए उन्होंने सिंधिया पर निशाना साधा है और कहीं ना कहीं ये अब देखने को मिल रहा है कि सिंधिया के खिलाफ अब कांग्रेस पार्टी एक बड़ा मोर्चा निकालती हुई नजर आ रही है। अभी तक क्या देखने को मिल रहा था कि केवल दिग्विजय सिंह और कमलनाथ ही सिंधिया पर निशाना साध रहे थे। कमलनाथ और दिग्विजय मिलकर सिंधिया को घेरने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अब ऐसे में राहुल गांधी ने सीधा सीधा सिंधिया के दुश्मनों से जो हाथ मिलाया है। और नूरी खान की अगर मैं बात करूं, नूरी खान कांग्रेस की वही नेता है जिन्हें एक बार सिंधिया ने मंच से उतार दिया था और सबसे बड़ी बात है बहुत ज्यादा बेइज्जत भी किया था सिंधिया ने नूरी खान की, क्योंकि नूरी खान ने अपने भाषण के दौरान इस तरह की बातों का जिक्र किया था जो नहीं करना चाहिए था। तब से नूरी खान और सिंधिया के बीच की जो लड़ाई थी, इनके बीच जो जंग थी वो शुरू हो गई थी और ऐसे में ये जंग एक बार फिर दिखती हुई नजर आ रही है। ऐसे में जो चिंगारी उठी है और जिस तरह से कांग्रेस के कई दिग्गज नेताओं ने अब सिंधिया को घेरने का जो मौका है वो अपने हाथ में ले लिया, इसका मतलब यह है कि कांग्रेस की पलटन अब पूरी तरह से सिंधिया को घेरने की कोशिश करती हुई नजर आ रही है। यानी कि अगर देखा जाए तो जैसा कि आपको बता दूं, नूरी खान ने बकायदा ट्वीट भी किया था और ट्वीट करके राहुल गांधी का धन्यवाद जताया और असम की जनता से अपील की कि उनके जो शौहर हैं उनको चुनाव में ज्यादा से ज्यादा वोट देकर जिताया जाए। और राहुल गांधी का सीधा अचानक नूरी खान के जो शौहर हैं उनसे मुलाकात करना, रकीबुद्दीन से मुलाकात करना, तो ये बताता है कि अब राहुल गांधी का मकसद केवल और केवल चुनाव जीतना है। जी हाँ, एक वक्त वो हुआ करता था जब राहुल और सिंधिया की दोस्ती थी, एक वक्त वो था जब राहुल और सिंधिया एक साथ बैठा करते थे, लेकिन आज लगता है पूरी दोस्ती खत्म हो चुकी है। जिस तरह से सीधे सीधे सिंधिया के दुश्मन से राहुल गांधी ने हाथ मिलाया है और नूरी खान ने भी अब सिंधिया को घेरने की पूरी कोशिश की है और पूरी तरह से जो ट्वीट होता हुआ यहाँ पर नजर आ रहा है, इससे साफ पता चल रहा है कि वाकई में स्थितियां बहुत ज्यादा अलग होती हुई नजर आ रही है। आपको बता दूं कि बकायदा ये देखने को मिला था कि राहुल गांधी ने रकीबुद्दीन के समर्थन में रैलियां की थी और ना सिर्फ रैलियां की थी बल्कि ये भी बताया था कि किस तरह की स्थितियां अब बनती हुई नजर आ रही हैं। मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश में फिलहाल जो स्थितियां बन रही हैं उससे देखिए साफ पता चल रहा है कि कांग्रेस अब पूरी तरह से सिंधिया और उनके समर्थकों पर हमला कर रही है, किस तरह से उनको तोड़ने की कोशिश कर रही है। और यहाँ पर अब नूरी खान को राहुल गांधी का साथ मिल गया है, तो ऐसे में
सिंधिया के कई दुश्मन अब एक साथ इकट्ठा होते हुए नजर आ रहे हैं। पहले दिग्विजय और कमलनाथ तो बकायदा सिंधिया को घेरने का काम करते ही थे, लेकिन अब नूरी खान को जब से राहुल का साथ मिला है और राहुल गांधी ने जब से नूरी खान के जो शौहर है उनके समर्थन में रैली की है, तब से नूरी खान का जो दबदबा है वो थोड़ा सा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और नूरी खान का आत्मविश्वास भी बढ़ गया। देखिए, राहुल का साथ मिलता ही नूरी खान ने फटाफट सिंधिया पर निशाना साधा और ट्वीट कर सिंधिया को घेरने की कोशिश की। तो क्या जो सिंधिया के ये दुश्मन एक साथ इकट्ठा हो रहे हैं, क्या इन दुश्मनों से ज्योतिरादित्य सिंधिया खुद को बचा पाएंगे? क्या जो स्थितियां इस वक्त मध्य प्रदेश में बन रही हैं, जिस तरह की स्थितियां देखने को भी मिल रही हैं, अगर कहा जाए तो फिलहाल ज्योतिरादित्य सिंधिया को लगता है कोई फर्क नहीं पड़ेगा, भले ही उनके कितने भी दुश्मन एक साथ इकट्ठा हो जाएं। कांग्रेस की अगर मैं बात कर लेता हूं, जब ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस में थे तो उस वक्त क्या स्थिति थी कांग्रेस पार्टी के अंदर, ये बताने की जरूरत शायद दर्शकों को नहीं है, क्योंकि दर्शक भी जानते हैं कि मध्य प्रदेश में जब सिंधिया कांग्रेस पार्टी के अंदर मौजूद थे तो किस तरह से चारों तरफ वो मुश्किलों से घिरे हुए थे और लगता है सिंधिया को मुश्किलों से पार पाना बहुत आसानी से आता है। सिंधिया की अगर हम बात करें तो वो राजनीति के अच्छे धुरंधर हैं और इतना ही नहीं, अगर बात की जाए तो वो पूरी कोशिश करते हुए नजर आ रहे हैं कि किस तरह से अपने विरोधियों को एक एक करके क्लीन बोल्ड किया जाए। हालांकि अगर हम बात करें तो सबसे बड़ा क्लीन बोल्ड तो सिंधिया ने उस वक्त कर दिया था कांग्रेस पार्टी का जब उन्होंने कांग्रेस का साथ छोड़ा था। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो फिलहाल ज्योतिरादित्य सिंधिया जो है वो बिल्कुल अब आक्रामक रूप में नजर आ रहे हैं, वो अपने विरोधियों को छोड़ने के मूड में भी नहीं है, जिस तरह से वो कांग्रेस पर भी निशाना साध रहे हैं, कांग्रेस को भी घेरने की कोशिश कर रहे हैं। अगर बात की जाए तो जब सदन के दौरान कांग्रेस पार्टी लगातार तेल और महंगाई की बात कर रही थी तो ज्योतिरादित्य सिंधिया बहुत ज्यादा आग बबूला हो गए थे और सिंधिया ने कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेताओं को ये तक बोल दिया था कि अगर उनका मुंह खुल गया तो कांग्रेस पार्टी की बहुत सारी जो चिट्ठे हैं वो सामने आ जाएंगे। तो ऐसे में ज्योतिरादित्य सिंधिया बहुत कुछ जानते हैं कांग्रेस पार्टी के अंदर क्या चलता था और क्या चल रहा है और वो शुरू से कांग्रेस पार्टी से जुड़े थे। तो ऐसे में अगर हम बात करें तो ज्योतिरादित्य सिंधिया अपने जो विरोधी हैं उनको बहुत सही तरीके से जवाब देना जानते हैं और ये कला सिंधिया के अंदर बहुत पहले से। तो ऐसे में अगर बात की जाए, भले ही नूरी खान ने राहुल गांधी का साथ मिलते ही सिंधिया पर निशाना साधना शुरू कर दिया है और भले ही जो है नूरी खान और बाकी जो कांग्रेस के तमाम नेता हैं वो सिंधिया और उनके समर्थक पर निशाना साध रहे हैं, लेकिन इसका फर्क सिंधिया और उनके समर्थकों पर नहीं पड़ने वाला है। अगर मध्य प्रदेश की राजनीति की मैं बात करूं तो फिलहाल कांग्रेस पार्टी इस कोशिश में लगी है कि किसी भी तरह से जो बीजेपी की स्थिति जो मजबूत है मध्य प्रदेश के अंदर, उस स्थिति को तोड़ा जाए और लगातार वो तोड़ने की कोशिश भी कर रही है। यानी कि अगर बात की जाए तो कमलनाथ और दिग्विजय की जो जोड़ी है वो सिंधिया और उनके समर्थकों पर हावी होती हुई नजर आ रही है। इसका साफ मतलब ये है कि वाकई में अब स्थितियां बहुत ज्यादा अलग हो चुकी हैं। लेकिन अगर कुल मिलाकर बात की जाए तो मध्य प्रदेश में फिलहाल जो हालात बन रहे हैं वो ये है कि कांग्रेस पार्टी ये कोशिश कर रही है कि जो दमोह उपचुनाव है उसको जीता जाए। इसके साथ ही साथ वहां पर तख्ता पलट की जो कोशिश हो रही है, क्या ये तख्ता पलट कमलनाथ और दिग्विजय कर पाएंगे या फिर ये इनकी जो रणनीतियां ये फेल साबित होंगी? लेकिन कुल मिलाकर अगर मैं यहां पर फिर से बात करूं तो देखिए, जिस तरह से कई सालों के बाद राहुल गांधी ने सिंधिया के दुश्मन से मुलाकात की है, इससे ज्योतिरादित्य सिंधिया भी थोड़े से आग बबूला नजर आ रहे हैं। जी हां, सिंधिया को नहीं पता था कि उनके दुश्मन से राहुल गांधी इस तरह से मुलाकात करेंगे और राहुल गांधी ने नूरी खान और उनके शौहर से जो मुलाकात की और जो रैलियां उनके समर्थन में की, इससे साफ पता चलता है कि अब राहुल गांधी और सिंधिया की जो दोस्ती है वो पूरी तरह से खत्म हो चुकी है और राहुल गांधी अपनी इस दोस्ती को आगे बढ़ाना भी नहीं चाहते। हालांकि सिंधिया ने भी अपने जब ट्वीट किया था, ट्वीट के जरिए ये बता दिया था कि वो भी अब कांग्रेस से कोई रिश्ता नहीं रखना चाहते। यानी कि जब से सिंधिया बीजेपी में गए हैं तब से वो बीजेपी के रंग में पूरी तरह से रंग चुके हैं और उन्होंने ये
कह दिया कि राहुल गांधी को कांग्रेस पार्टी के भविष्य की चिंता करनी चाहिए। तो यहाँ पर यह स्थितियां बन रही हैं। और चौंकाने वाली बात तो यह है कि फिलहाल की अगर मैं बात करूं तो ये स्थितियां बताती हुई नजर भी आ रही हैं कि राहुल गांधी ने सीधा सीधा अब ज्योतिरादित्य सिंधिया को बड़ी टक्कर देने की कोशिश की है। और राहुल गांधी ये बताना चाहते हैं कि अगर सिंधिया उनसे दोस्ती नहीं रखेंगे और सिंधिया जो है अगर कांग्रेस के खिलाफ ज्यादा बढ़ चढ़कर बोलते हैं तो वो अपनी पलटन के साथ सिंधिया पर हमलावर हो जाएंगे, वो अपनी पलटन के साथ सिंधिया पर जबरदस्त तरीके से निशाना साधेंगे। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो इस वक्त राहुल और सिंधिया बिल्कुल आमने सामने आकर खड़े हो गए हैं और दोनों के बीच जबरदस्त टक्कर देखने को भी मिल रही है। जी हाँ, फिलहाल के लिए आज मुझे इजाजत दीजिए।